हम आपको एक घटना बतलाते हैं। धीरू भाई अंबानी हुआ करते थे। धीरू भाई अंबानी और रामनाथ गोयनका के बीच का संवाद की भी एक किताब है, मौका मिले तो पढ़िएगा जरूर। और मेरे ख्याल से वो रामनाथ गोयनका के और प्रभास जोशी की जो बायोग्राफी है उसमें भी इस बात का जिक्र है। उसमें उन्होंने कहा, धीरू भाई ने कहा कि देखिए, मैं एक हाथ में सोने का जूता रखता हूँ, एक हाथ में चांदी का जूता रखता हूँ। अब ये सामने वाले पर है, उस अधिकारी पर है कि आप जो है कौन सा जूता खाना चाहते हैं। सोना जिसको चाहिए सोने का जूता मिलेगा, चांदी वाला चाह रहा है जिसकी कीमत लगती है उसके जरिए काम हो जाता है। एक स्थिति वो थी। एक और किताब पढ़िएगा, वीपी सिंह का इंटरव्यू राम बहादुर राय ने लेते हुए जो लिखाया है, मंजिल से ज्यादा सफर। उस किताब को जब आप पढ़िएगा तो उसमें एक जगह वो पूछते हैं कि सवाल अंबानी पे ही चल रहा है कि अंबानी क्या, तो बोले कि देखो उसमें ये बात है कि धीरू भाई अंबानी को लेकर एक सवाल जहन में रखना कि राज करने की कोशिश कभी मत करो, राजा को ही खरीद लो। ये हम धीरू भाई अंबानी के संदर्भ में बोल रहे हैं, वीपी सिंह का कहा हुआ बयान है ये। राज करने की कोशिश कभी ना करो, राजा को ही खरीद लो।